देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं शेख उमर, सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं खबर रफ्तार से। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का वखार और इज्जत दिन ब दिन खराब हो रहा है, ई राजेंद्र ने दिया बयान। तेलंगाना बीजेपी लीडर और साबिक रियासती वजीर एटल्ला राजेंद्र ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव का वखार और इज्जत दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफा आवाम के लिए फायदा कर रहा है, क्योंकि हुजूराबाद इंतखाबात के खौफ से कई स्कीमें नाफिज की जा रही हैं। राजेंद्र ने मुतालबा किया कि एससी एसटी और बीसी को इनकी आबादी की बुनियाद पर काबीनामे नुमाइंदगी दी जाए। नारायणपेट बलदिया के वार्ड नंबर 23 में कांग्रेस कायद यूसुफ ताज की जानिब से मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव किया गया। आज नारायणपेट टाउन वार्ड नंबर 23 में डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ताज यूसुफ कायद कांग्रेस पार्टी की जानिब से बारिश के मौसम में मच्छरों की रोकथाम के लिए मच्छरकश अद्वियात ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया और आवाम से अपील की गई कि अपने अपने घरों के पास साफ सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी का इजाफा हो रहा है। तेलंगाना के इन चार अजला में आज कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में काफी कमी देखी जा रही है। आज एक ही दिन में रियासत भर में 359 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। चार अजला आदिलाबाद, कामारेड्डी, निर्मल और नारायणपेट में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ, जबकि गढ़वाल और वखाराबाद जिले में सिर्फ एक एक केस दर्ज हुआ है। हैदराबाद में कुत्ते के बच्चे की चोरी। हैदराबाद में कुत्ते के बच्चे की चोरी का वाकया पेश आया। मलकपेट में ब्लॉक पार्क के करीब रहने वाले वाटर वर्क के मुलाजिम तिरुपति और इनकी बीवी लता जानवरों से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने एक कुत्ते का बच्चा पाल लिया था। कल वो घर के सामने खेल रहा था कि नामालूम शख्स वहां पहुंचा और वो इस कुत्ते के बच्चे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर फरार हो गया। वहां से गुजरने वाले एक शख्स ने इस मुश्तबा नौजवान की तस्वीर सेल फोन में कैद की है। इस सिलसिले में मुतालिका पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्नम की दी मुबारकबाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्नम के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम ने हफ्ते के रोज एक ट्वीट पैगाम में कहा, उन्नम के खास मौके पर मुबारकबाद। ये त्यौहार मुस्बत जोश, भाईचारे और नेक नियति से वाबस्ता है। इस मौके पर मैं हर किसी की अच्छी सेहत और खुशहाली की दुआ करता हूँ। उन्नम केरला का एक अहम त्यौहार है। यह त्यौहार हर साल सितंबर में राजा महाबली की खैर मकदम में मुनक्किद किया जाता है और 10 दिनों तक चलता है। मानसून, दिल्ली हुआ पानी पानी। मानसून ने मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों को पानी पानी कर दिया है। कल रात से दिल्ली में मौसलाधार बारिश जारी है। एक तवील इंतजार के बाद बारिश ने बड़ी राहत दी है, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर पानी जमा होने की वजह से मसला भी पैदा हुआ है। इसी दौरान मगरबी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और मरकज के जेर इंतजाम इलाके दिल्ली में हफ्ते को शदीद बारिश मुतवक्को है। NCR में अगले 3 दिनों तक बारिश होगी। दिल्ली NCR में अगले 3 दिनों तक बारिश का इम्कान है। मुल्क में कल रात से मौसलाधार बारिश हो रही है। इसकी वजह से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के कई इलाके जेरआब आ गए हैं और ट्रैफिक भी मुतासिर है। रात के वक्त ताजमहल के दीदार का इंतजार हुआ खत्म। हफ्ते को दोबारा खुल जाएगी तारीखी यादगार। कोविड-19 की वजह से रात में दीदार के लिए एक साल से बंद ताजमहल को 21 अगस्त से दोबारा खोल दिया जाएगा। ओहदेदारों ने इत्तला दी। 17 मार्च 2020 को पहले कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ताजमहल को रात में दीदार के लिए बंद कर दिया गया था। ASI सुपरिटेंडिंग आसार कदीमा आगरा सर्कल बसंत कुमार स्वारनिकार ने कहा कि नाइट विजन की इजाज़त 21, 23 और 24 अगस्त को दी जाएगी, क्योंकि यादगार हर हफ्ते जुमा को हफ्ते को बंद रहती है और इतवार को लॉकडाउन नाफिज होता है। मुंबई में बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ 17 FIR हुई हैं दर्ज। मुंबई पुलिस ने बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जी करने पर 17 मजीद FIR दर्ज की हैं। अब तक जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ मजमूई तौर पर 36 FIR दर्ज हो चुकी हैं। शायर मुनव्वर राना के खिलाफ मजहबी जज्बात भड़काने के तहत मुकदमा हुआ दर्ज। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राना के खिलाफ तालिबान का तहाबुल रामायण की मुसन्निफ महर्षि वाल्मीकि से करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये केस हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।